दोस्तों, हमने मूवी तो बहुत सारी देखेंगे, लेकिन हॉलीवुड की जो साइंस फिक्शन मूवीज होती है ना, उनकी बात ही अलग होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मूवीज बोट पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज। और ये मूवी आप देख सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी मूवीज हिंदी में अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी 10th मूवी है म्यूटेंट क्रॉनिकल्स। यह आई थी 2008 में। ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक एंशिएंट मशीन से, जो किसी भी नॉर्मल इंसान को म्यूटेंट में कन्वर्ट कर सकती है। और इस मशीन से बहुत सारे नॉर्मल इंसान म्यूटेंट बन जाते हैं, और उन्हीं म्यूटेंट्स को मारने के लिए एक टीम तैयार की जाती है। और वो टीम म्यूटेंट्स को हरा पाती है या फिर नहीं, पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देखिएगा। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 5.2/10। दोस्तों, हमारी 9th मूवी है लास्ट डेज ऑफ मार्स। यह आई थी 2013 में। ये एक हॉरर थ्रिलर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ एस्ट्रोनॉट से, जो कि मार्स पर लैंड करते हैं, लेकिन अचानक से ही कुछ क्रिएचर का उन पर हमला हो जाता है। और वो उस क्रिएचर से बच पाते हैं या फिर नहीं, आगे की पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर खुद देखिए। और इसे IMDb रेटिंग देती है 5.5/10। दोस्तों, हमारी 8th मूवी है लाइफ। यह आई थी 2017 में। ये एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ एस्ट्रोनॉट से, जो कि डिस्कवर करते हैं एक डिफरेंट तरह का क्रिएचर, और वो क्रिएचर उन लोगों को हार्म भी पहुंचाना शुरू कर देता है। मूवी में क्या लास्ट तक सभी एस्ट्रोनॉट उस क्रिएचर से बच पाते हैं या फिर नहीं, आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इसे IMDb रेटिंग देती है 6.6/10। दोस्तों, हमारी 7th मूवी है द मेग। यह आई थी 2018 में। यह एक एक्शन हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है मेगालोडन शार्क की, जो कि आज से 10 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहा करती थी। और एक मेगालोडन इंसानों की गलती से पृथ्वी पर आ जाती है। इस मूवी के अंदर आपको यही देख आखिर इंसानों की वो क्या गलती थी या क्या काम था, जिसकी वजह से मेगालोडन पृथ्वी पर आ जाती है। आगे की पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 5.6/10। दोस्तों, हमारी 6th मूवी है द हैपनिंग। यह थी 2008 में। ये एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है अचानक से ही अमेरिका में लोग मरना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। आखिर में ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर खुद देखिए। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 5/10। दोस्तों, हमारी 5th मूवी जो है वो है इंडर्स गेम। यह आई थी 2013 में। एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी की स्टोरी शुरू होती है इंडर से, जो एक ब्रिलियंट बच्चा है और वो लड़ाई करने में माहिर है, या फिर कह सकते हैं लड़ाई करने की स्ट्रेटजी बनाने में माहिर है। और वो अपनी स्ट्रेटजी से अर्थ को एलियन से बचाना चाहता है। मूवी में क्या लास्ट तक वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं, आप इस मूवी के अंदर देखिए। कमाल की साइंस फिक्शन मूवी है, आप इस मूवी को जाके ज़रूर देखिए। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 6.6/10। दोस्तों, हमारी 4th मूवी एलियंस में। ये आई थी 2013 में। ये एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है साल 2154 से, जब पृथ्वी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इंसान बहुत बुरी तरह जी रहे हैं। यहीं पे जो अमीर लोग हैं वो अपने लिए अलग ही स्पेस स्टेशन बना के आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। वहाँ पे मर भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे हर बीमारी का इलाज है। मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारे हीरो को हो जाता है कैंसर, और उसके पास केवल 7 दिन ही होते हैं, और उसको अपने इलाज के लिए इलिजियम पे जाना होगा। मूवी में आगे तक आपको ये देखना है वो इलिजियम पे जा पाता है या फिर नहीं। आगे की पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 6.6/10। दोस्तों, हमारी 3rd मूवी है इक्विलिब्रियम। यह आई थी 2002 में। एक एक्शन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी। इस मूवी के अंदर एक ऐसे दुनिया की स्टोरी दिखाई गई जो वर्ल्ड वॉर 3 के बाद पूरी तरह तबाह हो गई है, और कुछ ही लोग बचे हैं। और उन लोगों के अंदर फीलिंग का होना इलीगल है। अगर किसी के अंदर फीलिंग पाई गई तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उसे बुरे से बुरा दंड देंगे। इस मूवी के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन लोगों को लगा कि इंसानों के अंदर फीलिंग्स का होना बहुत खतरनाक है। उसी वजह से इंसान अपने ही लोगों का विनाश कर देते हैं, अपनी पृथ्वी का विनाश कर देते हैं। एक सीरम तैयार किया गया वर्ल्ड वॉर 3 के बाद, जिसके मदद से सभी लोगों को फीलिंगलेस बना दिया गया। उनके अंदर कोई इमोशन नहीं होते हैं। इस मूवी के अंदर हमारा मेन हीरो जो है वो अपना सीरम एक दिन लेना भूल जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं। आगे पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देखिए। और IMDb इस मूवी को रेटिंग देती है 7.4/10।
दोस्तों हमारी सेकेंड मूवी है पैसिफिक रिम। ये आई थी 2013 में, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है एलियन से जो पृथ्वी पर हमला कर देते हैं, जिन्हें काइजू कहा जाता है, और वो पूरी पृथ्वी का विनाश करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो बनाते हैं बहुत पावरफुल रोबोट जिन्हें येगर कहा जाता है, जो काइजू को हरा सकते हैं। और ये बात एलियंस को पता चल जाती है, जिसके बाद एलियंस अपनी बहुत बड़ी आर्मी को अर्थ पे भेज देते हैं ताकि वो अर्थ को एक ही बार पूरी तरीके से बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉयड कर दें। क्या उन एलियंस से येगर जीत पाते हैं या फिर नहीं, आप इस मूवी के अंदर देखें। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इस मूवी के 2 पार्ट्स भी हिंदी में अवेलेबल हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखें। और इसे IMDb रेटिंग देती है 6.9 out of 10। दोस्तों हमारी फर्स्ट मूवी एलिटा बैटल एंजल की आई थी 2019 में, एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है एक एलिटा नाम की लड़की की, जो एक साइबॉर्ग है, आधी इंसान और आधी मशीन। इस लड़की को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता है। इस मूवी के अंदर ये यही पता लगा, यही इस मूवी की मिस्ट्री है। आगे की पूरी स्टोरी आप इस मूवी के अंदर खुद देखिए। इस मूवी के बारे में मैं यही कहूँ, ये मूवी हाईटेक डिवाइसेस, हाईटेक टेक्नोलॉजी और एक्शन से भरी पड़ी है। आप इस मूवी को जाके जरूर देखें। और इस मूवी का IMDb रेटिंग देती है 7.3 out of 10। जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट गर्ल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।